पे बेहद दरूद हम गरीब। रमजान भाई अभी तबीयत कैसी है आपकी? बस शुक्र है, गुजारा चल रहा है भाई। अच्छा जी, अल्लाह आसानी करे। सही है मती भाई, मैं फिर जो है इंशाल्लाह आपसे जो है कांटेक्ट वगैरह करता हूँ, फिजियोथेरापी जो है वो इसकी स्टार्ट वगैरह करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, चले जाएँ जाएँ। जजाकल्लाह। सही सलाम। सही भाई जी, अस्सलाम वालेकुम अफला जी। ये भाई रमज़ान की अपडेट थी, और ये है कि अभी हॉस्पिटल से हमारी वापसी हुई है, और ये है कि डॉक्टर ने इनको फिजियोथेरापी जो है वो रेकमेंड की है। तो अब ये देखते हैं कि कोई अच्छा सा फिजियोथेरापिस्ट जो है वो मिल जाए, और ये है कि इनके इलाज वगैरह जो है वो चलता रहेगा। अब कुछ मेडिसिन वगैरह ये ले रहे हैं, और कुछ जो है वो MRI इनको रेकमेंड की है। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए, एक कोशिश में लगे हुए हैं। मुश्किल अमल है इनका, हॉस्पिटल का आना जाना और दूसरे अखराजात वगैरह मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। जैसे शौकत भाई के जो है वो प्रोसेस आपके सामने है कि कहाँ से हमने उनका केस स्टार्ट किया था और कहाँ जो है वो एंड हुआ, और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, अपने गाँव में हैं वो इस वक्त। तो ये है कि रमज़ान भाई के केस के हवाले से जो है कुछ पेचीदगियाँ वगैरह थी, उनके गुर्दे के हवाले से कुछ मसाइल वगैरह थे। तो अब ये है कि लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि आप देखने और सुनने वालों से भी दरख्वास्त है, बराए करम हमें दुआओं में याद फरमाएं, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाएं। और ये है कि इसी इलाके में दूसरे केसेस वगैरह हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि वो इस वक्त हम नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कि कुछ हमारे पास वसाइल की कमी वगैरह है, और ये है कि कोशिश यही होती है कि यानी एक केस ले लें उनको, यानी A to Z जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं हमारे पास उनको जो है वो अंजाम तक पहुंचा दें। तो ये है कि उसमें टाइम वगैरह भी लगता है और दूसरे मसाइल वगैरह होते हैं, लेकिन ये काम ऐसा ही है कि इसमें मसाइल वगैरह भी होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश वगैरह आती है, और ये है कि हम बिल्कुल राज़ी हैं। और अब देखते हैं कि यानी फिजियोथेरापी जो है वो डॉक्टर ने जो रेकमेंड की है वो ये भी हो सकता है कि यानी 2 महीने जो है वो इनकी फिजियोथेरापी चले, या 6 महीने चले, साल भी चले। डॉक्टर का कहना है कि 2 साल भी जो है ये चल सकती है, क्योंकि इस वक्त इनके जो पाँव वगैरह जो है वो बिल्कुल मुड़ चुके हैं इस तरह। तो ये परेशानी वगैरह है, और दूसरा ये है कि उनके गुर्दों के हवाले से परेशानी वगैरह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। आप देखने और सुनने वालों से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।